अवलन एक मतलब विषय खिदमत है असकिया नासिर भाई कि गमे दुनिया से आजिज जब दिले नादान होता है, गमे दुनिया से आजिज जब दिले नादान होता है, तेरी महफिल में आ जाता हूँ इत्मीनान होता है। गमे दुनिया से आजिज जब दिले नादान होता है, तेरी महफिल में आ जाता हूँ इत्मीनान होता है। और एक मतलब और पीछे खदमत है बज़बान ममदू कि हम उस दिन भी इमाम दो जहाँ थे, हम उस दिन भी इमाम दो जहाँ थे जब आदम आबो गिल के दरमियाँ थे, हम उस दिन भी इमाम दो जहाँ थे जब आदम आबो गिल के दरमियाँ थे। एक मंतवत की एक मतलब और चंद नशार पेशर खदमत है मतलब कि असदुल्लाह की नजरों में दिलावर होना, असदुल्लाह की नजरों में दिलावर होना कोई आसान नहीं मालिक अश्तर होना, असदुल्लाह की नजरों में दिलावर होना कोई आसान नहीं मालिक अश्तर होना। और इसी से मरबूत शेर है कि कोई आसान नहीं मालिक अश्तर होना, और फौजे इस्लाम में मौजूद हैं कुछ ऐसे भी लोग, फौजे इस्लाम में मौजूद हैं कुछ ऐसे भी लोग जिनका होना है न होने के बराबर होना, असदुल्लाह की नजरों में दिलावर होना कोई आसान नहीं मालिक अश्तर होना, फौजे इस्लाम में मौजूद हैं कुछ ऐसे भी लोग जिनका होना है न होने के बराबर होना, फौजे इस्लाम में मौजूद हैं कुछ ऐसे भी लोग जिनका होना है न होने के बराबर होना। और ये शेर तज़मीन का शेर है कि जिनका होना है न होने के बराबर होना, और मंजिले इश्क हकीकी कहाँ इतनी आसान, मंजिले इश्क हकीकी कहाँ इतनी आसान, सबकी किस्मत में नहीं आशिक़े हैदर होना, मंजिले इश्क हकीकी कहाँ इतनी आसान, सबकी किस्मत में नहीं आशिक़े हैदर होना। और उल्फते आले मोहम्मद की हिफाजत कीजिए, उल्फते आले मोहम्मद की हिफाजत कीजिए, हमने देखा है गुलिस्तानों का बंजर होना, उल्फते आले मोहम्मद की हिफाजत कीजिए, हमने देखा है गुलिस्तानों का बंजर होना। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, शेर फहम सामईन तशरीफ़ फरमाएं, रदीफ़ का रुख पेश खिदमत है कि हमने देखा है गुलिस्तानों का बंजर होना, और क्यों ना फिर बाबे जिना वाह हो तुम्हारी खातिर, क्यों ना फिर बाबे जिना वाह हो तुम्हारी खातिर, बोले रिजवान के तुम आशिक़े हैदर हो ना, क्यों ना फिर बाबे जिना वाह हो तुम्हारी खातिर, बोले रिजवान के तुम आशिक़े हैदर हो ना, बोले रिजवान के तुम आशिक़े हैदर हो ना, और तेरी खिदमत से ही सरदारे मलक हैं जिब्रील, तेरी खिदमत से ही सरदारे मलक हैं जिब्रील,
है फरिश्तों की तमन्ना तेरा नौकर होना, तेरी खिदमत से ही सरदार मलक हैं जिब्रील, है फरिश्तों की तमन्ना तेरा नौकर होना। और इस सिलसिले का ये आखिरी शेर पेशे खिदमत है कि है फरिश्तों की तमन्ना तेरा नौकर होना, और मुंतखब नायबे हक भेज दे तू ही या रब, मुंतखब नायबे हक भेज दे तू ही या रब, आरजू सबकी है इस कौम का रहबर होना। मुंतखब नायबे हक भेज दे तू ही या रब, मुंतखब नायबे हक भेज दे तू ही या रब, आरजू सबकी है इस कौम का रहबर होना। मुंतखब नायबे हक भेज दे तू ही या रब, आरजू सबकी है इस कौम का रहबर होना। और मक्ते का शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि आरजू सबकी है इस कौम का रहबर होना, और नाम रखने से नहीं होता कोई उनका गुलाम, नाम रखने से नहीं होता कोई उनका गुलाम, लाजमी है तेरा किरदार से कंबर होना। नाम रखने से नहीं होता कोई उनका गुलाम, लाजमी है तेरा किरदार से कंबर होना। फौजे इस्लाम में मौजूद हैं कुछ ऐसे भी लोग, जिनका होना है न होने के बराबर होना। अगर इजाज़त हो तो एक कलाम के और चार पेश करना थे। एक दुरूद का सहारा दें आप हज़रत बाबा से। एक मतलब और चंद अशआर और पेश करना है। कि न तजुर्बा हो तो फिर मशवरा ज़रूरी है, न तजुर्बा हो तो फिर मशवरा ज़रूरी है, फिर उसके बाद खुदा की रज़ा ज़रूरी है, फिर उसके बाद खुदा की रज़ा ज़रूरी है। और जहाँ विलायत हैदर पा बात आ जाए, जहाँ विलायत हैदर पा बात आ जाए, वहाँ पा जान से बढ़कर वफा ज़रूरी है, वहाँ पा जान से बढ़कर वफा ज़रूरी है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम अपने दिल से किसी को अहम नहीं कहते, हम अपने दिल से किसी को अहम नहीं कहते, जिसे नबी ने ज़रूरी कहा ज़रूरी है, जिसे नबी ने ज़रूरी कहा ज़रूरी है। और ये आशिकाने अली हैं वो दुश्मनाने अली, ये आशिकाने अली हैं वो दुश्मनाने अली, यहाँ पर क़ुर्ब वहाँ फासला ज़रूरी है, यहाँ पर क़ुर्ब वहाँ फासला ज़रूरी है। और फुरूए दीन की है इब्तिदा नमाज मगर, फुरूए दीन की है इब्तिदा नमाज मगर, अली का इश्क भी बेइंतहा ज़रूरी है, फुरूए दीन की है इब्तिदा नमाज मगर, अली का इश्क भी बेइंतहा ज़रूरी है। बस ये आखिरी शेर पेशे खिदमत है कि अली का इश्क भी बेइंतहा ज़रूरी है, कि बता रहे हो मोहम्मद को अपने जैसा बशर, बता रहे हो मोहम्मद को अपने जैसा बशर,
नहीं है इल्म तो क्या बोलना जरूरी है। बता रहे हो मोहम्मद को अपने जैसा बशर, नहीं है इल्म तो क्या बोलना जरूरी है।